इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि ईमो ऐप क्या है और आप ईमो ऐप का यूज कैसे कर सकते हैं, ये ऐप से कौन सा कार्य किया जाता है या फिर इस ऐप को किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईमो ऐप है क्या। तो दोस्तों ईमो ऐप जो है एक सोशल मैसेंजर ऐप है। जिस तरीके से आप WhatsApp पर मैसेज भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, दोस्तों वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, तो उसी तरीके से आप जो है ईमो ऐप में हाई क्वालिटी में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में फोटो भेज सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और दोस्तों WhatsApp में जो जो काम होता है तो वो सारा काम आप जो है ईमो ऐप में भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो है आपके हर एक काम का क्वालिटी जो है बेस्ट होगा, इसीलिए आपको ईमो ऐप का भी यूज करना चाहिए। तो चलिए ईमो ऐप में अकाउंट कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर ईमो ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कुछ यहाँ पर परमिशन मांगे जाएंगे, परमिशन को अलाउ करने के लिए आप यहाँ अलाउ पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ चेक मार्क पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके उस नंबर पर एक OTP आएगा या फिर दोस्तों वो OTP जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। देखते हैं होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पर OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। चलिए मैं यहाँ अपना नाम डाल देता हूं। नाम डाल देने के बाद ऊपर आपको यहां सेव आइकॉन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपका नाम ऐड हो जाएगा और अगर आप प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक करना है। अगर आप गैलरी से लगाना चाहते हैं तो आप यहां चूज फ्रॉम एल्बम पर क्लिक करिए, परमिशन को अलाउ करिए और उसके बाद यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। जिस भी फोटो को आप अपने ईमो ऐप के प्रोफाइल में लगाना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करिए। आप यहाँ से इसके साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ सेव आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद जो है ये फोटो आपके ईमो ऐप के प्रोफाइल में सेट हो जाएगा। परमिशन फिर से मांगा जाएगा, अलाउ पर क्लिक कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए और उसके बाद वाइल अलाउ यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर ईमो ऐप में आपका जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो फ्रेंड देखने को मिल जाएंगे जो जो आपका फ्रेंड ईमो ऐप यूज कर रहा होगा। सबसे पहले में अगर आप अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करना चाहते हैं तो जिस भी फ्रेंड के साथ करना है उसके अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए और फिर आप यहाँ से चैट कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सभी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। तो आप जो जो व्हाट्सएप में करते हैं वो आप इसमें भी कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। तो इस तरीके से आप जो है ईमो ऐप का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।